हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो जय सिंह ब्लॉग। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हम आपको एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी का रिव्यू देने वाले हैं, और वो गाड़ी है मारुति की एस्प्रेसो, जो आपको 4.5-5 लाख में आ जाती है। तो हम ले आए हैं उसका रिव्यू आप लोगों के लिए, एक डिटेल रिव्यू इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का देंगे। ये है हमारे पास जो एस्प्रेसो LXi मॉडल है ऑप्शनल, और ये पड़ती है करीबन 4.5 लाख की, ऑन रोड 5 लाख के आसपास तक ही पड़ जाएगी ये गाड़ी। और अगर मैं आपके ओवरऑल लुक की बात करूं, तो आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, मतलब इतने अच्छे दिखने वाले एलॉय व्हील्स नहीं हैं, लेकिन हैं। आपको यहाँ पे आपका साइड इंडिकेटर मिल जाएगा, इसके अलावा आपको नॉर्मल जो अल्टो वाले ही डोर हैंडल्स होते हैं वो मिल जाएंगे। और इस गाड़ी में इसकी चाबी है, इसका लॉक अनलॉक ऑप्शन नहीं है, आपको चाबी डाल के ही इसके जो डोर्स हैं ये खोलने पड़ेंगे, और ना ही इसके जो ORVMs हैं वो भी अंदर से फोल्ड नहीं होते, वो आपको हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे आपको करने हैं तो। इसके अलावा अगर मैं पीछे की लुक की बात करूं, तो आपको पीछे आपकी ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगी, इसके अलावा पीछे आपको वाइज़र नहीं मिलेगा, और ना ही आपको इसमें डिफॉगर मिलेगा। पीछे आपको एक बैजिंग मिल जाएगी मारुति की, और एस्प्रेसो का लोगो मिल जाएगा। पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा, आपको सेंसर्स मिल जाएंगे 2, यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स हैं आपके। अगर मैं आपको बूट स्पेस खोल के दिखाऊँ, ये CNG मॉडल है, तो बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन बिना CNG वाली गाड़ी जो आती है उसमें आपको 230 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो आपको 3-4 बैग आप इजीली से इसमें स्टोर कर सकते हो। सो अगर CNG नहीं होगी तो आपको स्टोरेज मिलेगी, ऑब्वियसली CNG है तो फिर आपकी माइलेज तो बढ़ती है, लेकिन आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। माइलेज आपको विद CNG आपको 35-34 की दे देती है, और पेट्रोल में 25 की एवरेज कंपनी प्रॉमिस करती है, तो 28-29 तक आ जाती है, तो एवरेज वाइज तो गाड़ी अच्छी है। साइड में आपको ये कैडिंग कंपनी फिटेड मिलेगी, आपको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, अगर मैं सामने की बात करूं, तो आपको यहां पे मिल जाएंगे आपके फॉग लैंप्स, इसके अलावा आपको आपकी हेडलाइट मिल जाएगी यहां पे, जो प्रोजेक्टर लैंप नहीं, नॉर्मल लाइट हेडलाइट मिलेगी। उसके बाद ये आपके साइड इंडिकेटर्स हैं यहां पे, तो चलेंगे। इसके अलावा आपको सामने क्रोम फिनिश मिल जाएगा गाड़ी के, और बढ़िया मारुति की बैजिंग के साथ। आपको बम्पर जो है पूरा प्लास्टिक वाला है, सेफ्टी वाइज तो गाड़ी में इतना कुछ है नहीं, क्योंकि इसकी सेफ्टी रेटिंग भी 1 है, तो मारुति वैसे भी सेफ्टी रेटिंग में कमी होती है। तो अब आपको अंदर का दिखाते हैं, ऐसे डालनी पड़ेगी चाबी, घुमानी पड़ेगी और ये खुल जाएगी। सो गाइस, ये है गाड़ी का लुक अंदर से। तो गाइस, गाड़ी में बैठ के सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है कि आपको सामने आपको क्लस्टर नहीं मिलता है, जो स्पीडोमीटर वगैरह है उसका क्लस्टर आपको सामने नहीं मिलेगा, साइड में आ गया वो क्लस्टर यहाँ पे है। तो आपका स्पीड, आपकी पेट्रोल, आपके सारे इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपको इस साइड मिलेंगे। ये गाड़ी टच स्क्रीन के साथ नहीं आती है, तो आपको ये आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगानी पड़ेंगी। एसी वेंट्स, आपके 4 एसी वेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कूलिंग डिसेंट है, और आपको टिपिकल अल्टो वाले यहाँ पे एसी कंट्रोल ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप इसमें जो नॉर्मल अल्टो या फिर बाकी गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियों में आते थे मारुति के, वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको दिक्कत क्या है, आपको मिरर डाउट करने के ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है, मिरर डाउट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, जो काफ़ी ऑकवर्ड है। अगर आप पहली बार ये गाड़ी चलाओगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आप यहाँ प्रेस करोगे तो ये मिरर डाउन होगा, और ये थोड़ा काइंड ऑफ ऑकवर्ड स्पेसिंग हो जाती है रिलेटेड टू कार्स, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ तो जहाँ तक मैंने देखा किसी भी गाड़ी ने भी विंडो जो होती है वो खोलने का ऑप्शन नहीं दिए हैं। आपकी स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम आपको अगर आप आफ्टर मार्केट लगा रहे हो तो ही आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा नहीं। ओवरऑल स्टोरेज की बात करो तो यहाँ आपको फोन वोन रखने की जगह मिल जाएगी, आप अपना कोई भी फोन, छोटा मोटा सामान, यहाँ चाबियाँ वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको 2, और यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिल जाएगी जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो। इस मॉडल में आपको चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, USB पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, ना ही ऑडियो जैक मिलेगा। सो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी में। इसके अलावा आपको साइड में 1 लीटर बोतल रखने की जगह मिल जाएगी। इसमें डुअल एयरबैग्स आते हैं, और आपको साइड एयरबैग्स या फिर पीछे वालों के लिए कुछ नहीं मिलता सेफ्टी रिलेटेड। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल सीटिंग पोजिशन की बात करूँ, तो गाड़ी बैठ के तो ऊँची फील होती है, मतलब आपको अल्टो वाला लो फील नहीं करवाती, थोड़ी ऊँचा फील करवाती, क्योंकि ये थोड़ी ऊँची बनाई गई है कंपेरेटिवली टू अदर कार्स लाइक अल्टो या फिर दूसरी गाड़ी हो गई KTM वगैरह के मॉडल में। क्विड से भी थोड़ी ऊंची है, क्विड से थोड़ी स्पेसियस है। मैं क्विड में भी बैठा हूँ, मैंने क्विड भी चलाई है, तो क्विड थोड़ी आपको छोटा फील होता है क्विड के अंदर, ये थोड़ा स्पेसियस तो है गाड़ी। अपना जो स्टेयरिंग है वो एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, स्टेयरिंग आपकी फिक्स रहती है इसी पोजिशन में, ना ही आपको सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप सीट पर आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब सीटिंग की बात करो तो सीटिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सीटिंग थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल होगी फॉर द लॉन्गर रूट्स, क्योंकि आपको मतलब एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन नहीं दे पा रही है गाड़ी। हाइट वाइज ठीक है,
अच्छा हेडस्पेस मिल जाएगा और आपको लेग रूम भी ठीक ठाक मिल जाएगा गाड़ी में। को पैसेंजर है उनको लेग रूम भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये सारा प्लास्टिक मटेरियल है, और जो फील आपको मारुति गाड़ी में बैठ के आता है वही आएगा। 4.5 लाख की गाड़ी से आप प्रीमियम तो कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अभी चलते हैं बैक सीट पे और आप लोगों को बैक सीट का रिव्यू देते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि क्या फील है गाड़ी में। और यार पीछे बैठते ही मुझे अजीब सा लग रहा है, फ्रेंडली स्पीकिंग पीछे बैठ के मुझे क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, मुझे मतलब बहुत ही बंद बंद सा फील हो रहा है। और अगर आपका जैसे मुझे लेग रूम भी बिल्कुल नहीं है गाड़ी में, अगर आप देखो तो लेग रूम की जगह में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हेड रूम सिमिलर तो ड्राइवर ही है, लेकिन पीछे की साइड आप दो लोग बैठ सकते हो, दो लोगों से ज़्यादा बैठने का आप ट्राई मत करना, क्योंकि वैसे तो कंपनी बोलती है कि 5 सीटर है, लेकिन ये 5 सीटर वाली फील नहीं दे रही है गाड़ी मुझे फ़िलहाल। तो अगर चौड़े लोग हो तो दो लोग ही बैठो, या फिर तीन लोग अगर पतले पतले बहुत पतले पतले तीन लोग हैं तो ही बैठ सकते हैं। और इसके अलावा पीछे बात करूँ तो आपको स्पीकर मिलता है पीछे एक, स्टोरेज नहीं मिलेगा आपको पीछे बिल्कुल भी। इसके अलावा आपको लॉक अनलॉक अंदर से ही मिल जाएगा, और आपको पीछे पावर विंडो नहीं मिलेगा, पीछे आपको हैंड रोल विंडो मिलेगा, तो आप हाथ से विंडो नीचे कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाएंगे पकड़ने के लिए जब आपकी गाड़ी बहुत हिलेगी। पीछे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं इस गाड़ी में, ना ही कुछ चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी अपना सामान रखने के लिए, और दैट्स इट। और गाइस इस गाड़ी में आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ही नहीं मिलेगा, तो अगर आप चाबी घुमाओगे भी यहाँ से तो सिर्फ यही डोर लॉक होगा, बाकी के पीछे के दोनों डोर लॉक नहीं होंगे, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट इन दिस कार, और जो काफ़ी ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप कभी भूल जाओ तो पीछे वाले डोर लॉक करना। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि एक लो बजट गाड़ी है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी से, 4-5 लाख में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो एक मतलब लो बजट डिसेंट कार है, मैं इसे ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा, और सेफ्टी वाइज भी इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, लुक वाइज भी इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती है मुझे। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो दैन इट्स टोटली अप टू योर बजट, मारुति की अच्छी एवरेज आने वाली है तो ये आप गाड़ी लो, वरना आई विल आस्क यू टू अवॉइड दिस कार एंड गो फॉर ए हायर वर्जन ऑफ एनी अदर ब्रांड या फिर मारुति इटसेल्फ। अगर आपको इसका ड्राइव टेस्ट लेना है या फिर माइलेज टेस्ट लेना है, दैन डू लेट मी नो, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज जय फ्रॉम जय सिंह ब्लॉग्स, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।